हेलो फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको व्हाट्सअप के बारे में बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ इस वीडियो में। कल रात से ही खबरें निकल के आ रही है कि न्यू ईयर में मतलब 1 जनवरी से व्हाट्सअप बंद होने वाला है। क्यों बंद होने वाला है व्हाट्सअप और किन किन मोबाइल में ये व्हाट्सअप वर्क नहीं करेगा, वो स्मार्टफोन कौन कौन से है, कौन से कंपनियाँ हैं और क्यों बंद होने वाला है व्हाट्सअप, सब कुछ बताऊँगा आज की वीडियो में मैं आपको। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। जैसे कि मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी इंस्टेंटली। मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हैं आरजे टेक्नो वर्ल्ड चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू आरजे टेक्नो वर्ल्ड। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही व्हाट्सअप ने घोषणा कर दी है कि व्हाट्सअप 1 जनवरी से बंद होने वाला है, बहुत सारे स्मार्टफोन पे ये वर्क नहीं करेगा। चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड के और आईफोन का जो iOS सिस्टम है जो कि पुराना है, उसमें व्हाट्सअप वर्क नहीं करेगा। मतलब 1 जनवरी से व्हाट्सअप चलेगा ही नहीं उसमें। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं। कल रात से ही खबरें निकल के आ रही है और हमारे सूत्रों के अनुसार जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आईफोन का iOS 9 और एंड्रॉयड का जो सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम 4.0.3, उससे जो कम वाले ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं उसमें व्हाट्सअप काम करना बंद करेगा 1 तारीख से। उसमें आईफोन के आईफोन 4, आईफोन 5 और आईफोन 6 में जो वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का iOS 9 जिस पे रन करता है, सेटिंग में जाके सिस्टम में जाके अपडेट करना पड़ेगा उनको iOS 9 को, वरना उनके व्हाट्सअप नहीं चलेंगे 1 तारीख से। और इधर जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड में जो फ़ोन है जैसे कि सैमसंग का S2 हो गया जो 4.0.3 पे रन करते हैं एंड्रॉयड, उसमें नहीं चलेगा व्हाट्सअप 1 तारीख से। सबने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया है इस न्यू ईयर में, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, व्हाट्सअप एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है, सोशल प्लेटफॉर्म है। जो अपडेट ला रहा है व्हाट्सअप, मतलब न्यू फीचर ला रहा है, न्यू सिक्योरिटी पैच रहा है, नए अपडेट लेकर आ रहा है व्हाट्सअप, तो ये जो पुराने वाले एंड्रॉयड सिस्टम है या iOS सिस्टम है 4.0.3 हो गया और आईफोन का iOS 9 हो गया, वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं न्यू फीचर को व्हाट्सअप के। इसीलिए व्हाट्सअप टीम ने ये निर्णय लिया है कि 4.03 एंड्रॉयड का और iOS मतलब आईफोन का iOS 9, उससे कम वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वर्क नहीं कर पाएगा व्हाट्सअप एप्लीकेशन। अगर आप व्हाट्सअप यूज़र है, व्हाट्सअप एडिक्टेड हो, तो आपको क्या करने पड़ेगा, सिंपली आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर, सिस्टम अपडेट में जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम को जो सॉफ्टवेयर रहता है उसे आपको अपडेट करना पड़ेगा। 4.0.3 है तो आपको अपडेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका व्हाट्सअप नहीं चलेगा। कोई नहीं रहा अपडेट तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सअप के लिए मोबाइल चेंज करना पड़ेगा, नया मोबाइल लेना पड़ेगा। ये सभी शर्तें लागू होगी 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी तक आप यूज़ कर सकते हो, न्यू ईयर के मैसेज कर सकते हो सबको और सबको खुशियाँ बांट सकते हो सिर्फ 1 तारीख तक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड्रॉयड सिस्टम कौन से पे आपका मोबाइल रन कर रहा है। फिलहाल मैं आपको सभी समझाता हूँ कि कैसे अपडेट करना पड़ेगा आपको। जिनका मोबाइल एंड्रॉयड 4.0.3 के ऊपर का है तो उनको कुछ भी घबराने की बात नहीं है, तो उनका व्हाट्सअप सेफ है। मेरा वीवो V20 है, लेटेस्ट वर्जन है, मेरा एंड्रॉयड 11 है, तो मुझे घबराने की बात नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अपने मोबाइल में जाइए, सेटिंग में जाना है आपको, सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, अबाउट फोन नाम का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है आपको दिखाई देगा, मेरा 11 है, आप देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉयड 11 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको टैप करना पड़ेगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल किस सिस्टम पर रन कर रहा है। सिंपली आपको अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
सिंपली आपको ऊपर जाना पड़ेगा, सिंपली आपको सिस्टम अपडेट में जाना पड़ेगा मोबाइल के सेटिंग में ही। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप अपडेट कर पाओगे आपके एंड्रॉयड सिस्टम से। यहाँ पे मेरा लेटेस्ट अपडेट है इसीलिए कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आपको अपडेट करना है तो अगर आपका अपडेट आया है तो वहाँ से आप वर्जन को अपडेट कर सकते हो। मेरा लेटेस्ट वर्जन है, एंड्रॉयड 11 पर रन करता है, तो मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है अपडेट करने के लिए। इस तरह से आप चेक कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो, मैंने फ़िलहाल बता दिया है। इसी तरह के वीडियो में आपके लिए अपडेट न्यू लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।